अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं हूँ आपका दोस्त अली तो शुरू करते हैं आज का मुलाकात कुछ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज ही पहले रोज़े की सैरी करने लगे हैं, अभी डोल वाला पायर आया हुआ है उसने जगा दिए, पहले रोज़े की सैरी करने लगे हैं जी। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, शुरू हो चुका है, तो गजियान साहब भी उठ गए, उठते साथ ही पायर ले लिए। ये देखिए डोल वाला आया तो उसकी आवाज़ से गाजियान साहब भी उठ गए, तो कहते हैं जी पायल दो। अभी पायल लेके तो पॉइंट देख रहे हैं, अभी सही करते हैं, उठ के रेडी रेडी होते हैं। अभी जी मैं दही लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो सहरी है वो दही के बगैर नामुमकिन है, या लस्सी बना लेते हैं या वैसे दही खा लेते हैं, लेकिन दही लाजमी है सहरी में। अभी मैं दही लेने जा रहा हूँ, पता नहीं कौन खुली है या नहीं, तो जाके देखते हैं जी। कोई बंदा ना बंदे की साथ बात। खाली ग्राउंड, पता नहीं मिर्जा साहब आए भी हैं या नहीं। ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, मिर्जा साहब तो आए हुए हैं, दुकान खुली हुई है, अभी जाके इनसे दही लेते हैं। मिर्जा जी तो मेरी ना वीडियो चार दी, अल्लाह ना ना है दही दो। हाँ ना मेरी कितने दे दो, अब दागे लो दही दो। ये वीडियो अपनी जाड़ी या खा दे जी, मेरी ना जाड़ी या साल है दही ना ना तभी ला गई हनाया तो थोड़ा लेट हूँ करा हो बस थोड़ा इधर भी सुबह प्रात ही चिना ले लाना ना ना वो ठीक हुई आज सारा टाइम शार्ट आ तो दूध दे के गया बड़ा लेट। तो भाई लोग सहरी हो चुकी है, अभी ये चाय पीने लगे हैं, चाय आई है, चाय पीने लगे हैं, अभी ऐलान हो रहा है। कितने देर किया है नमाज, कितने बजी होगी, अभी ऐलान हो रहा है। कितना टाइम रहेगा, 20 मिनट रह गए, आज हम जल्दी उठ गए थे, पता नहीं था पहले रोज़े 20 मिनट रह गए अभी। तो भाई लोग सुबह सहरी करके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के थोड़ी रेस्ट की, रेस्ट करके फिर तकरीबन 6:30 का टाइम हुआ, 6:45 का टाइम हुआ, तो काम पे चले गए, सुबह सुबह काम पे चले गए। फिर काम पे वापसी कब हुई, तकरीबन कितने बजे वापसी हुई, 1 बजे के करीब वापसी हुई। फिर अभी नमाज पढ़ी है, और नमाज पढ़ के थोड़ा सा सिपारा पढ़ के अभी रेस्ट करने लगूँ, अभी रेस्ट करनी है, और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा थोड़ी सी रेस्ट करनी है, उसके बाद चले जाना जी अफ्तारी का सामान लेने। अफ्तारी का सामान अभी तक लाया ही नहीं है, तो अभी अफ्तारी का सामान लेने जाना है, तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अफ्तारी का सामान, अभी काफ़ी टाइम है रोज़ा खुलने में, तो अभी रेस्ट थोड़ी कर लेते हैं, उसके बाद फिर अफ्तारी का सामान लेने जाएंगे। तो भाई लोग इस बार बात कुछ हुए कि सामान लेने आए हैं, अभी अफ्तारी के लिए मैं हूँ, मेरे साथ अली भी आया, अली ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और मेरे साथ गाजी भी आया, गाजी भी जिद कर रहा था कि जो साथ लेके जाए। गाजी क्या लेने आए हो बताओ ना, बताओ ना। तो अभी जी खाली अली साहब ने ये कवर चढ़ाना है, की है अनुवाद ने ग्लास ग्लास कवर, ग्लास और एक कवर लेना है इसे। डैडी साहब आए हैं उनके, तो उनका बाइल है जी, उठाओ, उठा के क्या करूं, कौन सा बाइल लेना है, कौन सा कवर लेना है इनमें से, तो कहना मैं कल ले गया कल ले लिए ना, कल लिए ना मामा के लिए बाइल, बाइल का कवर लिया ना, ये रख दो उधर ही, उधर ही रख दो, अंकल देख रहे हैं, अंकल देख रहे हैं, इधर नहीं, जिधर से उतारा है, जिधर से उतारा है उधर रखो, किधर से उतारा है बताओ ना,
इधर से उतारे, इधर से, इधर से उतारे ना। अच्छा चलो इधर लगा, इधर लगा दो, फिर अंकल सेट कर लेंगे, ठीक है। जी अली साहब इधर जूते लेने आए हैं जी, कहते हैं बोलो शुरू बनाना होता है तो उसके लिए जूते चाहिए। कैसे जूते चाहिए जी? रमजान आ रहा है तो मैंने कहा, रमजान आया हुआ है भाई, आपको पता ही नहीं चला जी, वो घर से वो भी आया तो आपको पता ही नहीं चला रमजान का। तो अभी आपको कौन से जूते चाहिए जी? अच्छा कोई भी दे दो, तो फिर वो काट दो, वे कितने शूज लगे ने तक। अच्छा गाजी ने लेने, गाजी ने शूज लेने, गाजी शूज लेने। तो गाइस गाइस जी, अच्छा तो भाई लोग कहते इस पार्ट बात कुछ हुआ क्या, सारा सामान लेके घर आ गया था। अभी बहुत बहुत देर हो गई, नमाज पढ़नी है, नमाज लेट हो गया हूँ, तो अभी नमाज पढ़नी है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी है। तकरीबन आधा एक घंटा रह गया रोज़ा खुलने में, अभी जल्दी जल्दी असर की नमाज पढ़ लेते हैं फिर कह रहे हैं। गाजी अभी इफ्तारी का वेट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। ये एप्पल भी है, ये भी एप्पल है, ये वाटरमेलन है, ये वो बनाना भी है, ग्रेप्स भी हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें इफ्तारी में पड़ी हुई हैं। गाजी ने क्या क्या खाना है? ये भी है, हाँ इधर स्ट्रॉबेरी भी है, ये भी, ये कौन सा रेड ग्रेप है, ऑरेंज भी है, फूल भी है, ये वाला फूल भी सूंघ रहे हमने साथ साथ। इफ्तारी में इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, हाँ वो भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, इतना सब, हाँ जी सारा कुछ पड़ा है, सारा कुछ खा लेना है। अनार भी है, ये वाला अनार भी, ये भी है, इसे इसे क्या कहते हैं, लोकाट, सारा कुछ है। तो क्या खाना है आपने? क्या ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है, अभी स्ट्रॉबेरी आएगी ना, स्ट्रॉबेरी खानी है, ठीक है, ओके ओके। फूल क्यों खाया? फूल नहीं खाया, फूल नहीं खाते, ना खाते, ओ नहीं थप्पड़, भाई लोग एट दिस पार्ट बात कुछ हुआ है कि रोज़ा शोज़ा खोल के नमाज पढ़ के अभी खाना शाना खा के फ्री हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहला रोज़ा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह पाक हमें रमज़ान में रोज़े रखने की इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसका सवाब है, इसका बेशुमार अजर है। अल्लाह पाक फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो अल्लाह पाक इस्तकामत तौफीक अता फरमाए कि हम रमज़ान में बाकायदगी के साथ नमाज पंजगाना भी अदा कर सकें और रमज़ान के रोज़े भी रख सकें। तो इधर ब्लॉग को करते हैं जी एंड, जाते जाते चलते फिर दौड़ते बैठते चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगली वीडियो तक कर दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।